और क्या कुछ कोरोना का हाल है देश में, आइए आपको बता देते हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 42,751 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 932 कोरोना मरीजों ने जान गंवाई है। कुल केसेस 3,05,00,000 के पार पहुंच गए हैं। देश में अब एक्टिव केसेस 4,80,000 हैं। 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन में 932 लोगों ने जान गंवाई है। कुल केसेस 3,05,00,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं देश में अब एक्टिव केसेस 4,80,000 के पार पहुंच गए हैं। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लगी है। 24 घंटे में 42,751 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 932 लोगों ने कोरोना के चलते एक दिन में देश में जान गंवाई है। वहीं कुल आंकड़ा अब 3,05,00,000 के पार पहुंच गया है। जी हां, आपको बता दें देश में एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त 4,80,000 के पार है। और प्रदेश में क्या कुछ हाल है कोरोना का, आइए आपको एक बार बता देते हैं। प्रदेश में कोरोना के 52 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 13 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं एक दिन में 98 मरीज रिकवर हुए हैं। कुल केसेस 7,68,852 है। प्रदेश में अब एक्टिव केसेस 1,234 है। एक दिन में 98 लोग रिकवर हुए हैं। 7,68,852 कुल केसेस रहे हैं प्रदेश में। अगर एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 1,234 एक्टिव केसेस हैं। प्रदेश में क्या कुछ कोरोना का हाल है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 52 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 13 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। एक दिन में 98 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 7,68,852 टोटल केसेस हैं प्रदेश में। अब एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 1,234 एक्टिव केसेस प्रदेश में अभी भी मौजूद हैं।